in association with Nestle Fruit of Vitals. Go Royal. Assalamu alaikum Pakistan. This is Aaj with Raham Khan. Yom-e Yakjehti hai Kashmir. Pakistani qaum Kashmiri awam ke saath. Masla-e Kashmir Aqwam-e Muttahida apna kirdar ada kyun nahi karta? Kashmiriyon ko unka bunyadi haq, haq-e-khud-e-iradiyat kab milega? Ye hai hamara aaj ka mauzu. जी नाज़रीन, 5 फरवरी हम अपना एक सॉलिडारिटी कश्मीर सॉलिडारिटी डे पाकिस्तान में मनाते हैं और बड़े अफसोस की बात है कि फरवरी ही का महीना है जहां कश्मीरी जो मूवमेंट है उसने सफर भी किए हैं. कुछ लॉसेस जो हैं वो कश्मीरी मूवमेंट के साथ जो एट्रीब्यूटेड हैं वो फरवरी ही के महीने में है. 11 फरवरी 1984 को भारत ने कश्मीरी तहरीक के बानी मकबूल भट्ट को, आपको याद होगा, तिहाड़ जेल में फांसी देकर शहीद कर दिया और अभी रिसेंटली ही पिछले साल 9 फरवरी 2013 को एक और नौजवान कश्मीरी रहनुमा अफजल गुरु को फांसी दे दी गई. तो क्या फरवरी का महीना हम इन लॉसेस को जब याद करते हैं, क्या हाल ही में जो मजीद शहदा की हमने बातें सुनी हैं उसके बाद से हमने कुछ इस तहरीक को मुतहरक होते हुए देखा है, क्या हमने पाकिस्तान में भी इस मसला कश्मीर को आगे बढ़ाया है? इस सिलसिले को जाहिर है हम तवक्को ये रख रहे थे कि इंतखाबात के बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, चूंकि उनके मैंडेट का ये हिस्सा भी था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको इंतखाबात के दौरान तो कम अज कम अपने जलसगाहों में अपनी तकरीर का जीनत बनाया, क्या उसके ऊपर कोई पेशरफ भी हुई है गुज़िश्ता 8 महीनों में? कश्मीर डे के हवाले से हम बात करेंगे कि हम कहाँ पहुंचे हैं 66 साल के बाद. हमारे साथ अब्दुल रशीद तरावी साहब हैं जो कि अमीर जमात इस्लामी आजाद कश्मीर हैं और खालिद इब्राहिम साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जम्मू कश्मीर के रहनुमा हैं. थैंक यू बोथ फॉर ज्वाइनिंग अस. पहले हम बात करेंगे कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं काफी अरसे से. अब्दुल रशीद साहब, हम बात करते हैं पाकिस्तान में और हम बड़े जज्बाती तरीके से तकरीर में इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन माजरत के साथ गुज़िश्ता एक साल जो मैंने पाकिस्तान में गुजारा है उसमें मुझे दिखाई नहीं देता कि हम शायद उतनी फोर्सफुली या उतनी एम्फेटिकली कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं. कम अज कम अवाम में वो हमें वो फीलिंग नहीं दिखाई देती. इसकी वजह आपके नज़दीक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं समझता हूँ कि एक तो आज का यकजहती का दिन है, इस पर हम पूरी पाकिस्तानी कौम के ममनून हैं और 1990 से अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल जारी है. काजी हुसैन अहमद साहब को उस वक्त इखलास पर मबनी एक इनिशिएटिव था और उस वक्त की हुकूमत अपोजिशन ने उसकी तायद की, तो बजाय खुद इसकी इस पहलू से अफादियत है कि मसला कश्मीर की जो अहमियत है वो हमारे नसाब में नहीं है, तालीम में भी नहीं है और जिस तरह से सियासी जमातों के एजेंडे भी होना चाहिए उस तरह से भी नहीं है, जिस तरह मीडिया में इसको अवलियत होनी चाहिए वो भी नहीं है. तो इस पहलू से कम अज़ कम इस दिन एक रिवाइवल हो जाता है टॉक शोज़ में, मजामीन में और सारी एक सरगर्मियाँ होती हैं. और इस हवाले से ख़ास तौर पर कल पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन किया है, आज मियां साहब तशरीफ ले गए हैं मुजफ्फराबाद में जाके, उन्होंने इदारे यकजहती किया है, तो इस पहलू से तो यानी तहरीक को ज़िंदा रखने के लिए और एक अपना मौक़िफ प्रोजेक्ट करने के लिए तो ये सरगर्मियाँ यकीनन ज़रूरी हैं. लेकिन जो सवाल आपने किया है उसकी अपनी जगह अहमियत है और कश्मीरी ये महसूस करते हैं, यानी जिन मुश्किल हालात में उन्होंने तहरीक को ज़िंदा रखा है. गुज़िश्ता 25 साल में 1 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, शहदा पेश किए हैं और फिर इज्जतें इसमतें हर चीज़ इसमें कुर्बान की है. तो उस पहलू से जो उनकी तवक्कात हैं या जो तहरीक का तकाजा है, मैं समझता हूँ कि उस हवाले से भी बहुत कुछ करना बाकी है और उसमें सबसे पहले जो चीज़ करने की है वो तो यह है कि खुद हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी में एक तसलसल हो. पिछले अरसे में जिस तरह से यू टर्न और वी टर्न लिए गए उससे हमारे काज को बहुत नुकसान पहुंचा और अब हमारी ये तवक्को थी और है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग के सदर भी हैं और उस कुर्सी की विरासत का दावा करते हैं जो कायदे आजम की कुर्सी है,
तो उस लिहाज से मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से खुद अपना एक ताल्लुक उनका कश्मीर के साथ है, या जिस तरह से वो आईजीआई के एक लीडर की हैसियत से उनका एक स्टांस होता था, तो हम समझते हैं कि उस हवाले से आज की तारीख में और पेशकदमी करने की जरूरत है और उसके लिए एक जामع हिकमत अमली, यानी अभी 8 महीने गुजर गए हैं तो मियां साहब 2-3 मरतबा मुजफ्फराबाद तशरीफ ले गए हैं, लेकिन अभी तक खालिद साहब मुझसे इत्तफाक करेंगे कि कोई ऐसी जामع मशावरत कश्मीरी क़यादत से नहीं हुई है कि मौजूदा हालात में कश्मीरी जो हैं वो क्या एहसास रखते हैं, क्या उनकी तजावीज हैं, और जो इस वक्त इम्कान हैं बैनुल अक़वामी सतह पर उनसे किस तरह से हम इस्तेफादा कर सकते हैं, खुद कश्मीर के अंदर जो है वो हालात का क्या तकाजा है। तो खालिद साहब, 1990 में जो बुनियाद रखी कश्मीरी यकजहती का हम सबूत देते हैं, लेकिन क्या एक दिन काफी है? क्या हम 5 फरवरी को यौम यकजहती मना के और फिर इसको फरामोश कर देते हैं बाकी साल के लिए? असल बात यह है कि ये एक दिन भी काफी है, जो हालात जिस तरह जा रहे हैं, जिस तरह हमारी काफी है आपको लगता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वक्त वो आने वाला जब 10 साल में एक दिन होगा, हालात इतने खराब है। आपको इस किस्म के रवैये दिखाई दे रहे हैं? रवैये जो है ना सियासी जमातों के, 3 बड़ी सियासी जमातें इस मे के इलेक्शन के नतीजे में पर मसलन पाकिस्तान की असेंबली में आई है बड़ी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग उससे भी बड़ी है, फिर पीटीआई है, तीनों जमातें ये कहती हैं कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए, तजारत होनी चाहिए, तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। और ये जो है आप कह रहे हैं ना 8 महीने की कारकर्दगी, 8 महीने की कारकर्दगी किसी जमात की भी कुछ नहीं, विजावी कश्मीर कोई हमें पेशरफ नजर नहीं, 8 महीनों की तो बहुत से लोग कहेंगे कि विजबी किसी इशू पे भी कोई कार्यकर्ता नहीं, एनर्जी पे कुछ नजर आता है, चलो सर्कुलर डेट पे किया कुछ, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि पिछले अगर 10 साल की कारकर्दगी देखी जाए, हम कश्मीरी जो है खास करके जो आजाद कश्मीर, हमें तो सिर्फ परवेज मुशरफ का वो वक्त पता है कि उन्होंने कम से कम अपने 9 साल दौर में 10 दफा कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टी से बैठकर कश्मीर पर बात की होगी, 5 साल पीपल्स पार्टी गुजर गए, कोई कश्मीर पर कभी कोई सीरियस डिस्कशन हुई नहीं कि अपने, हमें तो छोड़ दे, हम तो उनके मुखालिफ हैं, लेकिन जो जमातें उनके साथ थी उनको भी एतमाद मिली, और ये कैफियत 8 महीने की भी है। इस वक्त तक किसी ने कश्मीरियों को असेंबली में जाकर ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करना वो अलग बात है, लेकिन कोई सीरियस डिस्कशन के जी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये नहीं हुई, ये 2 पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो गुजर गई, 1-5 साल और ये 8 महीने, इसमें नहीं हुई। और मैंने आपसे कहा ना कि परवेज मुशरफ के लास्ट 4 ईयर्स जरा कमजोर थे, लेकिन पहले 5 साल में उन्होंने बड़ा कमिटमेंट का मुजाहरा किया और बाकायदा ब्रीफिंग्स हमसे लिए, हमारी बात सुनी, अपनी सुनाई, तो ये एक इंटरेस्ट है जो इनमें नजर नहीं आता पोलिटिकल पार्टी। इंटरेस्ट क्यों नहीं है, दिलचस्पी क्यों वेन ऑफ कर रही है, इसका क्या रीजन? यासीन मलिक साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, मेरा ख्याल वी लॉस्ट द लाइन, वेलकम बैक टू दैट। आप मुझे बताइए कि जैसे फिर मैं 1990 से 2000 तक हमने ये देखा, मीडिया में भी काफी हाईलाइट किया जाता था, हमारे निसाब का भी हिस्सा था, बच्चों को भी मालूम था, हम बल्कि प्रोग्राम से पहले डिस्कस कर रहे थे तो मेरे प्रोड्यूसर हजरात कह रहे थे कि हमको कश्मीरी नगमे कश्मीरी तराने याद थे। आजकल अगर आप बच्चे से किसी से पूछें कि आज छुट्टी क्यों है तो उनको शायद मालूम ना हो, इसकी क्या वजह है? ये सूरत हाल ठीक है क्योंकि बीच में आपने देखा, एक अभी हम पहले भी एक शो में बात कर रहे थे कि बीच में 4-5 साल बिल्कुल 5 फरवरी भी नहीं मनाया गया ना, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, ये अब फिर ये इस दफा कम से कम ये थोड़ी सी तो उसी तसलसल की भी बात करें कि कंटिन्यूटी नहीं रही किसी चीज़ का, तसलसल वैसे तो आपके मौकफ में तसलसल है, पाकिस्तान के मौकफ में सिंस 47 टिल टुडे एक तसलसल नजर आता, क्या वो तसलसल बराए नाम रह गया? जो अमली काम है उसमें तसलसल नहीं नजर आता, मुल्क पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान की कश्मीर के हद तक उसकी कमिटमेंट है, लेकिन जो सियासी जमाते हैं और जो हुकूमतें हैं उनकी कमिटमेंट आस्ता आस्ता कमजोर होती नजर आ रही है, जो बायसे तश्वीश है कश्मीरियों के लिए। बुनियादी रीजन इसका वजह बताएं, ठीक है 13 साल से हमने मीडिया पे भी कोई खास इस पे तवज्जो नहीं देखी, आपकी नजर में वजह क्या है इसकी? इसकी वजह मैं समझता हूँ कि एक गुलामाना सोच है, ठीक, यानी खासतौर पर जो 9/11 का हुआ और वार ऑन टेरर की वजह से जो एक इन्वॉल्वमेंट हो गई, माजरत खाना अप्रोच नहीं और बकायदा अमेरिका की तरफ से एक एजेंडा दिया गया, ठीक है, कि इस अरसे में आप भारत के साथ यकतरफा तौर पर तालुकात को नॉर्मलाइज करें, और कश्मीर पर बात करने का मतलब यह है कि आप उसको इश्तियाल दिला रहे हैं। अच्छा। और जानबूझकर एक डायरेक्टिव
और एक उसकी रोशनी में एक हिकमत अमली बनी, उसमें हम इदारे हैं, उसमें वजारत खारजा है, उसमें पॉलिसी साज इदारे हैं, फिर उसी पिच पर जो है हमारे सियासतदान भी आ गए, हमारा मीडिया भी आ गया और फिर अमन की आशा की मुहिमात चलना शुरू हो गई। तो असल तो मैं समझता हूं कि यानी जो तहरीक का तकाजा था उसको पेश नजर रखने की बजाय ये जो एक गाइडलाइन दी गई कि आपने बाहर सूरत हिंदुस्तान से जो है वो दोस्ती करनी है, उसको नाराज नहीं करना, कोई ऐसा जो है वो बयान कुछ स्टेटमेंट जिसके नतीजे में उसके जो है वो एक पेशानी के ऊपर बल पड़ जाए, तो मैं समझता हूं कि खौफ और मसलहत की पॉलिसी की वजह से खौफ और मसलहत। यासीन मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया फोन लाइन पे। यासीन मलिक साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बात चल रही है कि खौफ की वजह से इन पोस्ट 9/11 हमें थोड़ा सा अपोलोजेटिक स्टांस रखना पड़ा है, या बल्कि यहां तक कह रहे हैं अब्दुल रशीद साहब कि हमें थोड़ा सा बल्कि डिक्टेशन का शिकार है। अब हम ये बात उठाएंगे तो फिर हमें लेबल दिया जाएगा कि हम कंस्पिरेसी थियरिस्ट हैं, यहां पे पाकिस्तान में हमेशा कंस्पिरेसी को तरजीह दी जाती है। आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं कि अब हमें कोई डिक्टेशन मिल रही है कि हमें बैक ऑफ करना पड़ेगा अपने कश्मीरी स्टांस से? देखिए मैं बिल्कुल नहीं इत्तेफाक कर रहा हूं जो ये कि 9/11 के बाद आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कोई बन जाए। देखिए 9/11 के बाद जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जॉइंट डिक्लेरेशन किया कि दुनिया में जितने मसाइल हैं तो उनको परमन जराये से बातचीत के जरिए हल किया जाए, आम वायलेंस के खिलाफ उन्होंने बात की। लेकिन कश्मीरियों ने एकतरफा तौर पर जो ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट थी वो कश्मीरी लोग ने एकतरफा तौर पूरा की। जब कश्मीरी लोग परमन तौर पर सड़कों पे आए और 2008 में जिस एक बहुत बड़ा तवारीखी इंकलाब जिसको परमन था और जिसके ऊपर फौजी ताकत इस्तेमाल की हिंदुस्तान ने, जिसने 72 लोगों को शहीद किया, 2040 लोगों को शहीद किया, 2010 में 128 कश्मीरियों को शहीद किया। हमारे कश्मीर का एक स्ट्रांग केस है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लायक कि अगर आप लोगों ने खुद फैसला किया कि मसाइल को परमन तरीके से तशद्दुद नहीं होना चाहिए, अब तशद्दुद कश्मीर के लोग कर रहे हैं या एक स्टेट कर रहे हैं और आप लोगों ने बिल्कुल मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है कश्मीरी लोगों के कत्लेआम पे। लेकिन यासीन मलिक साहब ये भी कहा जा रहा है कि जो सियासी लीडरशिप है कश्मीर में वो खुद ही एक सफे पे नहीं है, उनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, आप इस पॉइंट से मुत्तफिक हैं? देखिए आप खुदा के लिए इस वजह से कश्मीर की मूवमेंट को डिस्क्रेडिट न करें क्योंकि अगर पाकिस्तान में एक अपना लोगों का एक इंतजाज बन गया है कि हमें कश्मीर को छोड़ना चाहे, भले पाकिस्तान के लोग कश्मीर को छोड़ना चाहे वो छोड़ते, लेकिन ये इल्जाम वो कश्मीर पे न थे। आज भी कश्मीर में इतने जुल्म जब सब कुछ चलने के बावजूद ये तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है और ये तहरीक आजादी जिंदा रहेगी जब तक ये मंत्र के अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। जी आपको लगता है कि सारे एक सफे पे हैं सियासी लीडरशिप जो कश्मीरी है? ये असल में लोगों को इसकी मिसअंडरस्टूड है किसी वजह से, ये इत्तेफाक की तहरीक ही नहीं है, ये इख्तलाफ की तहरीक है। अगर हमारा इत्तेफाक शेख अब्दुल्ला से होता 1947 में तो ये तहरीक चलती नहीं, हम सब आज हिंदुस्तान का हिस्सा। हमारी क्यादत ने उस वक्त ये फैसला किया कि शेख अब्दुल्ला के साथ इत्तेफाक नहीं करना क्योंकि हमारी अपनी राय है और हमारी राय का एहतराम होना चाहिए। ये उस राय की वजह से ये 1947 में तहरीक चली। हमने अपनी हुकूमत खुद कायम की, हमने इनिशियली 4,500 मुरबा मील इलाका खुद आजाद करवाया, अपनी एक इनकलाबी हुकूमत कायम की, वो इनकलाबी हुकूमत उसने जाकर हमारी नुमाइंदगी जो है यूनाइटेड नेशंस में की। इसलिए ये लोगों को समझ में नहीं आती कि ये इख्तलाफ की तहरीक है, इत्तफाक की तहरीक नहीं है। हमारा इत्तफाक सिर्फ एक बात पर है कि ये हक खुद इरादियत की तहरीक है और उसके बाद हमारा इख्तलाफ है, अपना अपना नजरिया है। हम ये कहते हैं हमें मौका दो, हम अपने नुक्ता नजर से वोट डालें, अपने नुक्ता नजर से अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। तो ये इख्तलाफ की तहरीक है, हम डिफरेंस जो ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं है, ये रिलीजियस मूवमेंट। लेकिन इसको नेशनलिस्ट मूवमेंट का रंग दिया गया है और हमने कम अज कम मीडिया में और करिकुलम में तो इसी तरीके से पढ़ाया गया, मतलब एक लिहाज से दोकुमी नजरिए का एक पस मंजर है, वही तो इस सारे मसले की बुनियाद है। यानी एक अप्रोच थी उस वक्त शेख अब्दुल्ला की जो कांग्रेस का नेशनलिज्म का नजरिया था, उन्होंने सब्सक्राइब किया और उन्होंने एक मौका तैयार किया और जिस तरह खालिद साहब ने फरमाया कि वही इसमें हरी सिंह के साथ खड़े हो गए
और वरना यह है कि वो अगर इस सफ में होते तो उस वक्त ये मसला पैदा ही नहीं होना था। तो मजमूई तौर पर जो तहरीक है, जो एस्पिरेशन है लोगों की, वो वही है जो दो कीमत नजरिया का पस मंजर है, और उसी की रोशनी में फिर खुद भारत जो है वो गया है अकवाम मुत्तहिदा में, जंग बंदी का मुतालबा उसने किया है और उसी के मुतालबे पर जंग बंदी भी हुई, करारदादें भी पास हुई, और अब हम ये कहते हैं जो आप फरमा रही हैं कि एक मसले पर तो कश्मीरी बिल्कुल मुतहद हैं, इस तरफ उस तरफ, हक के खुद इरादे, हक के खुद इरादे, लेकिन इसी को साइडलाइन कर दिया जाता है, जो जिसमें इख्तलाफ की बात करें उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, ये क्यों डाइवर्जन की जा रही है? आहिस्ता आहिस्ता, यानी कभी इसके ऊपर बड़ा एक इश्तेहाल भी होता था, मसलन यह है कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की बात करते थे, यासीन मलिक साहब कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार की बात करते थे, अमानुल्लाह साहब, और कभी ऐसा भी था कि बड़ी तलखियां थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जो है कम से कम उधर इधर एक इत्तेफाकी राय पैदा हो गया कि अपना अपना जो भी नुक्ता नजर है, जो कश्मीर के लोग फैसला करेंगे वो सब उसको कबूल करेंगे। हम और हक के खुद इरादियत के ऊपर इस तरफ उस तरफ मुकम्मल इत्तेफाक है, मांगी है, और सब ये चाहते हैं कि इंडिया वहां से निकल जाए। इख्तलाफ राय, मसलन वहां पर हुर्रियत इकट्ठी थी, मुशर्रफ साहब ने यहाँ एक पेंडोरा बक्स खोला और अपने चार नुकाती पांच नुकाती एक ऐसा फार्मूला पेश किया जिसके नतीजे में वहां पर हुर्रियत तकसीम हुई है। तो अब हम कश्मीरी क्यादत को एक पेज पे रखना चाहते हैं, इकट्ठे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पॉलिसी का तसलसल, ये यू टर्न के नतीजे में वहां एबाम पैदा होता है और कन्फ्यूजन पैदा होता है, और फिर उसके नतीजे में फिर जो सफे हैं वो मुंतशर हो जाती है। यासीन मलिक साहब से हम पूछेंगे, ब्रेक यहाँ पे लेंगे, वक्फे के बाद हम पूछेंगे यासीन मलिक साहब से कि अगर इस किस्म के यू टर्न्स वी टर्न्स की जिनकी बात चल रही है, अगर ये चलते रहे तो फिर जो खुद इरादियत की बात है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो बेसिक बुनियादी हक है और जिसकी डिमांड थी, जिसका मुतालबा किया गया था, उसको हाईलाइट कैसे किया जाएगा और ये तहरीक कैसे पाए तकमील तक पहुंचेगी? स्टे विद अस, टेकिंग ब्रेक है, बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स। वेलकम बैक, यू वाचिंग आज विद रहाम खान, और हम बात कर रहे हैं यौम यकजहती कश्मीर के बारे में। आज वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कानून साज असेंबली मुजफ्फराबाद में खिताब किया और इस बात पर एक बार फिर डायलॉग को दोबारा छेड़ा और ये कहा कि इंडिया को दोबारा डायलॉग की ऑफर की जाएगी। उनका हम आपको क्लिप सुनाते हैं कि उन्होंने किन जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एक दफा फिर उजागर किया। पाकिस्तान अपने इस मौकफ का बार बार इजहार कर चुका है कि वो भारत के साथ तनाजात बशमूल मसला कश्मीर बामानी नतीजा खेज और बामकसद मुजाकरात के जरिए हल करने का ख्वाहिशमंद है। जी यासीन मलिक साहब, हमने ब्रेक से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ा था कि आपको कैसे लग रहा है कि अब कश्मीरी तहरीक किस तरह पाए तकमील तक पहुंचेगी, और जो आज बयान आया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, आपको लगता है कि नतीजा खेज डायलॉग मुजाकरात हो सकते हैं कश्मीर के तनाजे को हल करने के लिए? देखिए, ये डिपेंड करता है पाकिस्तानी हुकूमत पे कि क्या इस डायलॉग प्रोसेस को वो कश्मीर सेंट्रिक डायलॉग बनाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पे फोकस करेगा, क्योंकि ये मुजाकराती अमल का उसूल भी है कि जहां लोग सफर करते हैं, मारे जाते हैं, पहले उसी पे बातचीत होती है। तो अब ये पाकिस्तान पे मुनहसर है कि वो इस डायलॉग प्रोसेस को कश्मीर सेंट्रिक डायलॉग बनाएंगे या पहले वो और इश्यूज लाएंगे, ट्रेड या दूसरे इश्यू, ताकि फिर कश्मीर सर खाने में चला जाए। मुझे लगता है अगर पाकिस्तान इसको कश्मीर सेंट्रिक डायलॉग बनाएगा तो इसके जो नतीजे होंगे वो अच्छे नतीजे होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको मॉनिटर कर रही है। अगर उसमें हिंदुस्तान का जो जवाब है वो पॉजिटिव नहीं होगा, कम से कम तो ये उनके ऊपर चलेगा कि ये भी हल कश्मीर के हल करने में इंटरेस्टेड नहीं है, रुकावट है, ये सिर्फ डायलॉग फादर शेख ऑफ डायलॉग कर रहे हैं। ठीक, लेकिन डिपेंड करता है पाकिस्तान पे कि क्या वो इसको कश्मीर सेंट्रिक डायलॉग बना पाएंगे। ठीक है, और हम यही बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी कि कश्मीर सेंट्रिक डायलॉग हमने विद इन पाकिस्तान भी नहीं देखा है, मीडिया की भी थोड़ी सी गफलत पे हमने बात की। अब्दुल रशीद तराबी साहब, आपको क्या लगता है कि कैन वी अफोर्ड इस वक्त एक कश्मीर सेंट्रिक डायलॉग हो, और गुज़िश्ता 8 महीने में आपको लगता है कि नई हुकूमत जब से आई है, अगर आप उसको कंपेयर करें पिछली 5 साल की हुकूमत से, तो क्या आपको कोई
कोई इस किस्म के पॉजिटिव इकदाम दिखाई देते हैं जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने डायरेक्टली किए हों? देखिए, एक तो जो अक़वामे मुत्तहिदा में उनका खिताब था वो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का कौमी मौक़िफ़ है उसका उन्होंने हया किया। कल की पार्लियामेंट में भी एक रेजोल्यूशन हुआ और आज जो उन्होंने नतीजा खेज मुज़ाकरात की बात की है तो मैं समझता हूँ कि इसी को हिकमत अमली के तौर पर इख्तियार करना चाहिए। और पाकिस्तान की पोजिशन की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान बहुत मजबूत पोजीशन पे है, इसलिए कि कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी मजबूत और हमागीर तहरीक है, यानी भारत की सारी कोशिशों के बावजूद और इधर भी जो कमजोरियां रही हैं उसके बावजूद उस तहरीक के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि कोई कमी नहीं है। और बल्कि वो तहरीक अब कहा जाता है कि तीसरी नस्ल को मुंतकिल हो गई है, अब स्कूल के बच्चे कॉलेजेस के बच्चे उसी जज्बे के साथ जो 1990 में हम देखते थे उन्हीं से सरशार होकर वो इस वक्त जो है आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं और उसमें हमारे शहदा की कुर्बानियां अफसल गुरु की शहादत ने उसको एक नया आंग दिया है, नया जज्बा दिया है। कायदीन हुर्रियत वहां पर जदोजहद कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी मुल्क है और OIC का और बैनुल अक़वामी बरादरी का UN का एक अहम मेंबर है। और फिर इस मसले के ऊपर जो पूरी पाकिस्तानी कौम की एक कमिटमेंट है तो ये सारे मैं समझता हूँ कि हमारी ताकत है पाकिस्तान की। और फिर जिस तरह से अभी एक अफगानिस्तान में अमल शुरू हो रहा है नेटो और अमेरिकी फोर्सेस की विड्राल का मुस्तकबिल का अफगानिस्तान का सिनारियो उसके में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा किरदार है और ये सारी ताकतें जो हैं उनको एक सिर्फ एग्जिट चाहिए, वो पाकिस्तान के तावन के बगैर मुमकिन नहीं है। तो आपके ख्याल में हमारी बहुत मजबूत स्ट्रांग पोजीशन है कल हमारे पास जो कार्ड्स हैं, मैं समझता हूँ कार्ड्स को ठीक तरह से खेलना चाहिए। हम कार्ड्स को क्या